लगल है यह फनफारिस यह निकल रहा है, अभी चला जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा वन रक्षक। अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये भैया लोग आए हुए हैं। इनके घर में स्नेक निकला हुआ है। ये कहाँ पे? गोपालधार मंदिर के पीछे, नाग मंदिर के पास। साथियों चलते हैं और उसका रेस्क्यू करते हैं। साथियों आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कर लें। साथियों चलते हैं और सर्प को रेस्क्यू करते हैं और देखते हैं वह किस हालत पर है। साथियों हम लोग उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे स्नेक निकला हुआ है। साथियों चलते हैं। साथियों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, चलिए देखते हैं कहाँ पे है ये। कहाँ पे भैया? अरे अंदर घुसा हुआ वो। साथियों ये है, इसमें ये अंदर ही घुसा हुआ है डब्बे के पास। साथियों हम लोग चलते हैं और इसका रिएक्शन करते हैं। साथियों हम लोगों ने इसका रिएक्शन किया है। यह है इसने, यह कोबरा है। और साथियों चलते हैं और इसको हम लोग सुरक्षित स्थान पे रखेंगे। साथियों ये है, इसको आप देख सकते हैं। साथियों हम लोगों ने इस कोबरे का रेस्क्यू किया है और ये कोई अब बड़ा तो नहीं है, अभी ये बेबी कोबरा है। साथियों आप लोग कभी भी स्नेक आप लोगों घर में हो तो आप लोग तुरंत वन विभाग से संपर्क करें। साथियों एक बात और है कि इसके काटने से आप लोग तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। और साथियों आप लोग जब तक आप लोगों का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोगों को हानि भी हो सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कतई झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए और इसको आप लोग काटने पर तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। और इनकी बेनम जब तक आपको नहीं लगेगा तब तक आपको राहत नहीं मिलेगी। साथियों हम लोग इसका रेस्क्यू किए हैं, ये कोबरा है। और साथी चलते हैं और इसको अब हम लोग सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षित जंगल पर छोड़ेंगे। साथियों चलते हैं। प्रबंध नहीं आए साथियों, अब हम लोग इसको रखते हैं।
साथ घुस गया हूँ, बैठ गया हूँ। ये जाल है स्थान चीन के, कहाँ जाएगा साथियों। हम लोगों ने इस कोबरे का रेस्क्यू कर लिया है और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। साथियों आप लोग को घर में कोबरा हो या फिर कोई भी वन्य प्राणी हो, आप तुरंत वन विभाग से संपर्क करें। चलिए साथियों हम उन अंकल जी से बात करते हैं। ये अंकल जी आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश मिश्रा। ये आप यहाँ कब था? ये हम अभी मैंने किचन में अंदर घुस गया था, वो लपलपा के निकला तो हम भी जो है तो भाग गए। आपने कहाँ संपर्क किया? फिर मैं इन लोगों से संपर्क किया थी, ये आपसे संपर्क किए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप लोग ऐसे इन वन्य प्राणियों को बचाए हैं जिससे कि अपनी प्रकृति बनी रहे और कभी भी सर्प दंश हो या फिर आपको वाइट करे तो आप लोग किसी भी झाड़ फूंक पे मत पड़िए और तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। साथियों चलते हैं और हम लोग इसको कोबरे को छोड़ देंगे सुरक्षित स्थान पर। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों हम लोग इस स्नैक को लेके यहाँ पे आ गए हैं, ये डिबा डांड का जंगल है और इसके लिए यह उपयुक्त स्थान रहेगा। साथियों चलते हैं और इस स्नेक को हम लोग ये छोड़ते हैं। निकल रहा है, अभी चला जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, ये कोबरा है। साथियों हम लोगों ने इस स्नेक को यहाँ पे छोड़ दिया। साथियों यह मेरा कार्य आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में जरूर बताएं और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।